है जो भी लोग व्रत रखते हैं उनके लिए ये जगह अप्रोप्रिएट है। आप यहाँ पर आकर किसी भी दिन पे जब आपका व्रत हो यहाँ पर आकर आइसक्रीम खा लो। मिर्ची वाला आइसक्रीम खाया कभी? नमस्कार, मैं हूँ अभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट का शो हेलो फूडी। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बी लिटेड हैप्पी होली। और क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं बी लिटेड क्योंकि दो दिन पहले हैप्पी होली निकल चुकी है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं आपको बोल नहीं पाया। लेकिन रंग पंचमी आने वाली है तो पूरे ग्वालियर इम्पैक्ट की टीम की तरफ से आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रंग पंचमी पर सभी दोस्तों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करिए होली का। और तो ये रही बात होली की, अब हम ग्वालियर में डीडी मॉल पर आ चुका हूँ मैं, दीनदयाल सिटी मॉल के पास में। और यहाँ पर एक नया स्टॉल ओपन हुआ है जो कि है द फ्रूट क्रीमरी नेचुरल आइसक्रीम। तो आज हम यहाँ पर खाने वाले हैं आइसक्रीम, वो भी देखते हैं कि नेचुरल आइसक्रीम रखा है नाम इन्होंने, तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ के जो ओनर हैं उन्हीं से बात करेंगे और कब से ये स्टॉल यहाँ पर खुला है उसके बारे में ही बात करेंगे। चलो चलते हैं खाने के लिए। तो मेरे साथ हैं मृगांक छापरवाल जो कि ये जो आइसक्रीम पार्लर इस जगह के ओनर हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। मृगांक ये बताओ पहले तो कैसे हो? एकदम बढ़िया, शानदार लग भी रहे हैं। इस जगह का नाम क्या है और क्यों ये नेचुरल आइसक्रीम के नाम से जाना जाता है, क्या सच में नेचुरल है या नहीं? ये जगह का नाम है द फ्रूट क्रीमरी। इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। ये चेन कोयम्बटूर की है तो हम बहुत जल्दी जल्दी मंगवाते हैं, बहुत जल्दी फ्लेवर चेंज करते हैं। और जिन लोगों ने नेचुरल कभी खाया है वो जानते हैं कि टेंडर कोकोनट और सीताफल के बारे में। तो अभी टोटल कितने टाइप के या फिर कितने वैरायटी के आपके पास में जितने भी आइसक्रीम सब वो हैं? 24 अराउंड वो सारे नेचुरल, कम्प्लीटली नेचुरल। तो सबसे बेस्ट कौन सी आइसक्रीम है आपके यहाँ पे वो भी नेचुरल? सबसे रनिंग आइसक्रीम जो है जो मैंने अभी 15 दिन में देखी है दैट इज टेंडर कोकोनट, पान, रोज आलमंड, आई गेस जैकफ्रूट। कुछ लोगों के लिए जैकफ्रूट बेसिकली मतलब होता है कटहल, पर कुछ लोगों को उसके लिए बहुत लाइकिंग होती है जैकफ्रूट का, मतलब कटहल का कटहल की सब्जी खाई होगी जिसको है ना, वैसे कहा जाए तो लोग आज ग्वालियर शहर में उसको देसी चिकन भी बोलते हैं, मतलब नॉन वेज के रूप में देखा जाता है। तो एक काम करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन्होंने इतने सारे नाम बोले मैं तो भूल गया हूँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि नेचुरल आइसक्रीम पे खड़े तो नेचुरल सी बात है इतने सारे नाम बोले तो भूल ही जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं मृगांक, बहुत देर होगी बात करते हुए, हम अब एक काम करते हैं खाते हैं। तो क्या क्या खिलाने वाले हो, पहले कौन सी चीज़ खिलाने वाले हो? पहले मैंने नाम टेंडर कोकोनट लिया था तो मैं शुरू करते हैं। फाइनली मेरे हाथ में पहली आइसक्रीम आ चुकी है जो है टेंडर कोकोनट। मुंबई में बीचेस पे जाओ तो आपको नारियल के बाद जो मलाई खाने को मिलती है तो इसमें वो जो किस है नारियल का वो फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से इसमें खाने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ के जो ओनर है मृगांक उनको बुला ही लेता हूँ यहाँ पे। मृगांक ये तो आइसक्रीम बहुत अच्छी है सच में, इसमें जो वो हल्का सा हाँ वो पल्प है। आप कुछ और भी बताने वाले थे? मैं वो इसमें जो पूरा प्रिपरेशन है इट इज कंप्लीटली ऑफ मिल्क, इसमें कोई कॉर्न फ्लोर नहीं है, इसमें कोई नमक नहीं है, ये व्रत के लिए भी एप्रोप्रिएट है। ऑल ऑफ द वैरायटी द एंटायर वैरायटी कंप्लीटली मेड विद मिल्क। मंगलवार, शुक्रवार, सोमवार, जो भी बार है उन सब पे जो भी लोग व्रत रखते हैं उनके लिए ये जगह एप्रोप्रिएट है। आप यहाँ पर आकर किसी भी दिन पे जब आपका व्रत हो यहाँ पर आकर आइसक्रीम खा लो, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मृगांक, ये मतलब बहुत से लोगों को हेल्प करने वाला है जो इतने भी है ना जो फास्ट रखते हैं ना उन लोगों के लिए। ये अराउंड द ईयर मिलती है और ये मोस्ट लाइकेबल है, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वैसे भी है ना गर्मी का मौसम आया तो नारियल का पानी जो है वो अपने को हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेट नहीं करता है, तो उसको डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए हम नारियल पानी पीते हैं। और ये आइसक्रीम बिल्कुल वैसा ही काम करेगी अगर आप यहाँ पर आकर ये नेचुरल आइसक्रीम खाएंगे अगर, तो गर्मी के समय में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक चीज़ है। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लस्सी और शिकंजी दिखाया था, तो गर्मी के दिनों में ये भी सबसे ज़्यादा लाइकेबल चीज़ है। और अब तो मैं ये ग्वालियर में नेचुरल जो है ना द फ्रूट क्रीमरी नेचुरल आइसक्रीम पार्लर वो भी ओपन हो चुका है जो कि ऑल ओवर गोवा ना देखा जाए इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर है। तो ग्वालियर में भी आप ये ठंडक के रूप में अगर आपको खाना तो ये भी खा सकते हो। तो मृगांक ये तो बहुत अच्छी है, इसके बाद क्या खिलाने वाले हो? मैं अगला खिलाऊंगा गोवा। अब आइसक्रीम में नमक मिर्ची तो कभी नहीं डलवाई होगी, हम डालेंगे। टेंडर कोकोनट के बाद मेरे पास हाथ में आ चुका है गोवा। ये रेड रेड क्या है? मिर्ची वाला आइसक्रीम खाया कभी? मिर्ची वाली आइसक्रीम और इसमें नमक भी डाला हुआ है, मैंने नहीं खाई थी कभी।
ये अल्टीमेट स्वाद है, खा के देखते हैं। गुआवा को ना वो काट लेते हैं घर में, छीलने की छील के या फिर उसको धो के काट के उसमें नमक मिर्ची डाल के और नींबू, मैं कहूँ चाट मसाला और डाल दो इसमें, बढ़िया स्वाद लगेगा इसका। लेकिन नहीं, बहुत प्यारी लग रही है खाने में कसम से, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो भी नमक मिर्ची वाली गुआवा आइसक्रीम, वो भी नेचुरल, इसका बहुत प्यारा स्वाद आ रहा है। कहीं गुआवा कहीं वाटरमेलन का है, भगवान कसम पूरी सर्दियाँ मेरी, पूरी गर्मियाँ मेरी यहाँ कटने वाली हैं। इसका एक और चीज़ है, वो जो बीज जो होता है गुआवा का, वो भी आपका टेस्ट आ रहा है, बीज पिसने का भी, पिसे हुए बीज का उसका टेस्ट आ रहा है, जो बीज है बिल्कुल पिसे हुए हैं और उसमें जब मैं खा रहा हूँ तो फ्लेवर होता तो कहीं ना कहीं उसका फ्लेवर आ रहा है उसका, अकेला फ्लेवर डालते हैं तो बीज नहीं आ, हाँ फ्लेवर में बीज, हाँ इसलिए नेचुरल है क्योंकि ये पूरा जो आई थिंक गुआवा है उसको पूरा पीस के इसमें बीज भी साथ में पिस जाते हैं और उसके बाद इसमें सिर्फ मिल्क ऐड करके फिर इसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसको जमने के लिए रख देते हैं और उसके बाद ये निकल के आती है गुआवा आइसक्रीम। और साथ में इन्होंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है इसमें नमक और लाल मिर्ची और बहुत प्यारा स्वाद दे रहा है। घर में जैसे हम खाते हैं ना, जैसे जनरली फ्रूट चाट भी खाते हैं तो उसमें हम लोग गुआवा में नमक और मिर्ची ऐड करके खाते हैं, बहुत प्यारा स्वाद है मृगांक इसका। आपको भी ये वाली आइसक्रीम खानी है गुआवा प्लस नमक मिर्ची वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तो मैं यही जगह बोलूँगा, ये जगह बेस्ट है और यही जगह जहाँ पर मिलेगा ये, क्योंकि अभी तक ये ग्वालियर में कभी था ही नहीं। कितना टाइम हुआ इस जगह को ओपन हुए? 15 दिन हुए हैं, तो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ पे, मुझे लग रहा है आज मेरा ना आइसक्रीम से ही पेट भर जाएगा। तो पहले मैंने खाई थी टेंडर कोकोनट, उसके बाद मैंने खाया था गुआवा सॉल्ट एंड चिली आइसक्रीम, उसके बाद अब मैं खा रहा हूँ ये काला अंगूर। सुना है, खाया है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके आज ब्लैक ग्रेप्स की हम लोग खाने वाले आइसक्रीम। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पास में आइए आप, पास में आओ। देखो इस आइसक्रीम में ना ये इसके अंगूर के छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत प्यारी लग रही है देखने में। तो लेट्स ईट इट। ये मिस कर रहा था मैं, ये है बेस्ट, वेरी नेचुरल। जैसा कि हर आइसक्रीम में बोला है कि जितने भी है ना फ्रूट्स हैं उनको मैश करके उसमें मिल्क ऐड करके और बहुत ही कम शुगर के साथ इन आइसक्रीम्स को बनाया जा रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट है ये वाली, बहुत ही ज़्यादा। 4-5 आइसक्रीम खा चुका हूँ मैं, मेरे मुंह में ना दांतों में अजीब सी सनसनाहट हो रही है, बहुत प्यारी है ये, मेरे को अभी तक सबसे बेस्ट मुझे सच बताऊँ ये लगी है। अब मेरे हाथ में है ये वाटरमेलन, इसमें भी आप देख सकते हो जैसे काला अंगूर वाली जो आइसक्रीम थी उसमें जिस तरह से ये था उसमें दिख रहे थे, उसी तरह से इसमें भी आपको ये दिख सकते हैं, इसमें पीसेस हैं इसके वाटरमेलन के, देखो रेड रेड जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है वाटरमेलन को ठंडा फ्रीजर में रख दिया है, उसको निकाला है और जस्ट उसमें स्कूप डाल के या फिर इसमें सिर्फ स्पून डाल के उसको टेस्ट करना शुरू करें, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा वाटरमेलन टेस्ट करता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा दो चीज़ पसंद आई हैं, एक तो ब्लैक ग्रेप्स आइसक्रीम और ये वाटरमेलन आइसक्रीम, बहुत स्वादिष्ट है। इनके पास 24 वेराइटी यहाँ पर नेचुरल आइसक्रीम की और इसका अगर हम बात करें ये स्कूप 70 रुपये का स्कूप है ये, और अगर आपको पूरा नेचुरल पूरा बकेट लेना है तो वो 700 रुपये का किलो है और 400 रुपये का आधी किलो का पैकेट है। जाते जाते आपको कुछ नहीं करना है, वही जो आप मैं हमेशा बोलता हूँ वही करना है कि ग्वालियर इम्पैक्ट के पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उसको फॉलो करें, शेयर चैट पर फॉलो करें, कू पर फॉलो करें हमारा, आप जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट www.gwalierimpact.com पर भी जाकर देख सकते हो। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9933881 पर भी हमको संपर्क कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो मैसेज कर ही सकते हो, कर लो कुछ नहीं जाएगा, अगर आप करोगे ना तो आपको इस तरह कंटेंट देखने मिल जाएंगे। और साथ में हमको आप लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो। आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट शो, हेलो फूडी, मैं हूं अभी वर्मा, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लेट मी एंजॉय दिस आइसक्रीम, वाटरमेलन आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम है।